नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। मींस अगर कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है एंड डेरिवेबल है, मींस उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, देन y1 इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। अगर इसको आगे और फर्दर डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज y2 एंड y2 इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ dy बाय dx। इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको लिखते हैं d2y अपॉन dx2। सिमिलरली अगर d2y अपॉन dx2 डिफरेंशिएबल है तो इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, दिस इज d अपॉन dx ऑफ d2y अपॉन dx2 एंड दिस इज इक्वल टू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वाई एन इज इक्वल टू क्या होगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। दिस इज द nth डेरिवेटिव, एग्जिस्ट करने के ऊपर है कहां तक इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, उतनी ही बार उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यू विल गेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक टेक्स सम सिंपल एग्जांपल्स, इफ यू आर गिवन y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 6x इनटू cos रेज टू पावर 3x, देन dy बाय dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर 6x - cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, 3x का डिफरेंशिएशन माइनस ये 3 हो गया, प्लस कॉस एक्स एज इट इज ई रेज टू पावर 6x इंटू 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस 3 ई रेज टू पावर 6x साइन 3x प्लस 6 इंटू ई रेज टू पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 3 कॉमन एरिया। इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से, प्लस इसका भी हम u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस 3 बाहर लेते हैं, e रेज टू पावर 6 एज इट इज, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 एंड प्लस साइन 3x एज इट इज ले लिया, e रेज टू पावर 6x का e रेज टू पावर 6x इंटू 6, इसमें आप 6 बाहर ले दीजिए, e रेज टू पावर 6x cos 3x का, cos 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, दिस इज cos 3x, दिस इज माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x प्लस cos 3x एज इट इज, और e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज 6 इनटू e रेज टू पावर 6x। नाउ दिस इज माइनस 9, माइनस 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, माइनस 9 e रेज टू पावर 6x cos 3x माइनस दिस इज 6 इनटू 3 माइनस 18 e रेज टू पावर 6x एंड साइन 3x एंड ये था आपके पास, दिस इज माइनस साइन 3x था, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू पावर 6x माइनस 3 एंड दिस इज 6 इंटू 6 36 e रेज टू पावर 6x एंड cos 3x ऐड करेंगे, दिस इज माइनस 9 e रेज टू पावर 6x एंड 36 into e raised to power 6x cos 3x, this is 27 e raised to power 6x cos 3x and this is minus 18 e raised to power 6x sin 3x, इतना ही फैक्टर ही है, this is minus 36 e raised to power 6x into sin 3x। और क्या कर सकते हैं इसमें से, हम कॉमन ले सकते हैं इसको, 9 e raised to power 6x अगर कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बचेगा दिस इज 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली वी कैन डू इट डिफरेंशिएट अगेन, दैट विल बी द थर्ड डेरिवेटिव। आपको यहां पर सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना था। अब देखिए और फंक्शन लीजिए, ये दिया हुआ आपको y इज इक्वल टू secant x प्लस 10x एंड यू हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, y इज इक्वल टू secant x प्लस 10x है, dy अपॉन dx डिफरेंशिएट किया secant x 10x प्लस secant square x, दिस इज इक्वल टू sin x
टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया, सीकेंट एक्स को वन अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। वन कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके फैक्टर कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दिया, इसके फैक्टर हो जाएंगे वन माइनस साइन एक्स प्लस इंटू वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स। तो देन वाई इज इक्वल टू क्या, आपके पास वन माइनस साइन एक्स रेज टू पावर माइनस वन है। इसका सेकंड डेरिवेटिव दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड ये क्या आ जाएगा, पावर आगे लेके आएंगे माइनस वन, एक पावर कम करेंगे वन माइनस साइन एक्स रेज टू पावर टू, वन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे दिस इज माइनस कॉस एक्स, अल्टीमेटली यू गेट कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पार एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पार एम एक्स। यहां पर एम एक्स पावर है, ये एन एक्स पावर है। देन शो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए उसी तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, दिस इज ए एज इट इज e raise to power mx का e raise to power mx, mx का m हो गया plus b n into e raise to power nx। अब इसका second derivative करेंगे, left hand side का second derivative क्या होगा, d2y upon dx2 a m into e raise to power mx का करेंगे, a m तो constant है, e raise to power mx का e raise to power mx into m, mx का derivative this is a m square into e raise to power mx, b n और e raise to power nx करेंगे n into e raise to power nx, तो b n square e raise to power nx हो गए। अब हमें वैल्यू निकालनी है d2y by dx2 minus m plus n into dy by dx plus mn y किसके इक्वल है, देखते हैं, this is d2y upon dx2 minus mn dy by dx की वैल्यू क्या है, dy by dx की वैल्यू अपने पास ये थी a m e raise to power mx प्लस बी एन ई रेज टू पावर एन एक्स एंड प्लस एम एन इंटू वाई, वाई क्या है, ए इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एम का मल्टीप्लाई करेंगे ए एम स्क्वायर हो गया, ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स, एन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स, जब इसका एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एम एन इंटू ए ई रेज टू पावर एम एक्स एंड माइनस एम एन इंटू बी ई रेज टू पावर एन एक्स, ई रेज टू पावर एन एक्स ये आ गया एंड प्लस क्या दे रखा आपको, दिस इज प्लस, प्लस है आपका एम एन, दिस इज एम एन, एम एन इंटू वाई, एम एन इंटू वाई करेंगे क्या आ जाएगा ए एम एन ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस बी इंटू एम एन और ई रेज टू पावर एन एक्स, ये इस फैक्टर से कैंसिल हो गया, ये इस फैक्टर से कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू जीरो, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, यू आर गिवन वाई इज इक्वल टू साइन साइन एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, prove that d2y by dx2 plus 10x into dy by dx is equal to y cos square x, y is equal to आपको दिया हुआ है sin sin x, dy by dx differentiate करेंगे, this is sin का cos हो गया argument as it is into argument का differentiation means sin x का differentiation this is cos x, अब second derivative करेंगे this is left hand side का तो d2y upon dx2 हो गया, इसमें first function इसको ले लिया cos sin x and cos x का differentiation minus sin x plus cos x as it is ले लिया, cos sin x का करेंगे minus sin sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो आपके पास क्या आ गया this is minus यहां ले लिया minus cos sin x, cos sin x ये है
इनटू कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फैक्टर कितना हो गया आपके पास, दिस इज 10x 10x, एंड ये फैक्टर कितना बचा आपके पास, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज डीवाई अपॉन डीएक्स, तो ये क्या हो गया आपके पास, माइनस 10x डिवाइड बाई डीएक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस फैक्टर इज साइन साइन एक्स, दिस इज वाई। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, d2y अपॉन dx2 प्लस 10x dy by dx, dy by dx प्लस क्या आ जाएगा, cos square x into y, दिस इज इक्वल टू क्या, जीरो। एंड यही ये पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, एंड यू हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, दिस इज dy upon dx, दिस विल बी dy upon d theta upon dx upon d theta, एंड dy by d theta डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां, a into sin theta, दिस इज a into sin theta, 1 minus cos theta by sin theta upon derivative of x means dx upon d theta, this will be a into theta का 1 हो गया, 1 minus this is cos theta, this is 1 minus cos theta, so a into 1 minus cos theta, इसको a से cancel हो गया, इसको simplify करते लिख सकते हैं sin theta by 2 and cos theta by 2 upon 2 sin square theta by 2, this is cancelled, 1 square sin theta by 2 से cancel हो गया, this is cot theta by 2, and differentiating again with respect to x, d2y upon dx2 हो जाएगा, and this is minus cosecant square theta by 2। अब यहां देखिए, दोबारा हमने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं किया, तो cot का हमने डिफरेंशिएशन किया cosecant square argument as it is, अब argument का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा this is 1 by 2 d theta upon dx, and d theta upon dx upon d theta ये है, तो dx upon d theta इसका reciprocal हो जाएगा, क्या लिख देंगे, माइनस cosecant square थीटा by 2 अपॉन क्या आ जाएगा, a इंटू 1 by 2 ऑलरेडी था आपने पास, 1 by 2 a इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस cosecant square थीटा by 2, थीटा by 2 अपॉन 2a into 2 sin square theta by 2, ultimately क्या हो गया, minus 1 upon 4a into sin raised to power 4 theta by 2। अब हमें क्या निकालना है, second derivative at theta is equal to pi by 2 पे पूछ रहा है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या है आपके पास, थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 4 हो गया, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 4 दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड उसकी पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 4 ए इंटू 1 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड रिजल्ट इज माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई। तो यहां सेकंड डेरिवेटिव में इस कंसेप्ट का जरूर ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमेशा दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर m, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू
m into x plus square root of 1 plus x square raised to power m minus 1 into d by dx of जिसके पावर लगी हुई है, दिस इज x प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज m x प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के रेज टू पावर m माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के का डिफरेंशिएशन 2, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के और 1 प्लस एक्स के का 2x, ये डिफरेंशिएशन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो, m इंटू एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के एंड दिस इज x प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, यहां पावर m माइनस 1 है एंड एक पावर ये आ गई, दिस इज स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, एम माइनस 1 पावर ये, एक पावर ये आ गई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज m इंटू एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर m अपॉन स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर एंड दिस इज y, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू m इंटू y अपॉन स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर एंड यू हैव टू फाइंड दिस रिलेशन, आप ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के दोनों तरफ स्केयर कर दिया इनटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर इनटू वाई स्केयर, ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ये रिलेशन आएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम कर दिया आपने और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू सेकंड डेरिवेटिव हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज लेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दिस इज 2x इज इक्वल टू 2 एम स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स थ्रू आउट आप क्या कैंसिल कर सकते हैं 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल कर सकते हैं क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस दिस इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई यही फैक्टर आपको प्रूव करना था इसको इस फैक्टर को इधर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई दिस इज इक्वल टू जीरो यही आपको प्रूव करना था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपके पास दिस इज एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई एंड शो दैट ये रिलेशन आपको शो करना है साइन अल्फा इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस साइन टू इंटू ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो देखिए कैसे करेंगे अब आप इसको x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे cos y अपॉन cos a प्लस y लिख सकते हैं दिस इज dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर दो ये क्या आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dy दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई एज इट इज कॉस ए प्लस वाई एज इट इज कॉस वाई का दिस इज माइनस साइन वाई एंड वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका वन ही होगा क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट यहां किसके रिस्पेक्ट में किया है एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं किया
डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos y एंड cos a प्लस y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a प्लस y एंड a प्लस y का डिफरेंशिएशन दिस इज वन अपॉन क्या आ गया, दिस इज cos k a प्लस y। अब ऊपर क्या है, दिस इज माइनस, माइनस अगर हम कॉमन ले लें माइनस क्या बचेगा, साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लिया दिस इज माइनस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस के ए प्लस वाई बचेगा, ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपके पास क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस ए माइनस वाई अपॉन कॉस के ए प्लस वाई, दिस इज वाई से वाई कैंसिल हो गया, दिस इज क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास साइन ए, साइन माइनस ए माइनस साइन ए हो जाएगा माइनस बाहर है तो क्या बचेगा, दिस इज साइन ए है या अल्फा है, ए है, ए है यहां पर, दिस इज ए साइन ए अपॉन कॉस के ए प्लस वाई। अब ये अपने पास थी क्या डी एक्स अपॉन डी वाई, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस विल बी कॉस के ए प्लस वाई अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। अब देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, दिस इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, पहले ये कर लो साइन ए इधर भी आए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इनटू डी y by dx is equal to cos k a plus y, this is sin a है into d2y upon dx 2 है, this is equal to 2 आगे आ जाएगा, this is 2 आगे आ गया cos a plus y, 2 cos a plus y, cos a plus y का करेंगे minus sin a plus y and y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्या था ये, आपने सेकंड डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन क्या आई थी आपके पास साइन a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस के a प्लस वाई आएगा, तो साइन a तो कांस्टेंट है इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग अगेन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा माइनस टू आगे आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन, माइनस यहां लगा दिया साइन ए प्लस वाई एंड ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू रख दो इसकी, क्या आ जाएगा दिस इज माइनस टू कॉस ए प्लस टू कॉस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई, क्या कर देंगे साइन टू इंटू ए प्लस वाई, टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगा दिया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड यही चीज आपको प्रूव करनी थी क्या साइन ए इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस साइन टू ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यूजली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। इफ ax plus b into e raised to power y upon x is equal to x, then show that x cube into d2y by dx2 is equal to x into dy by dx minus y का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों तरफ लॉग लीजिए,
क्या आ जाएगा, log e raised to power y upon x log x minus log ax plus b, this is y upon x minus log ax plus b. डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर u by v फॉर्म से करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx माइनस y एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x के, एंड log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, log ax plus b का ax plus b नीचे आ जाएगा, ax plus b का डेरिवेटिव क्या है a, एलसीएम लेंगे दिस इज x इनटू ax plus b, ax plus b minus ax, ax ax कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज b अपॉन x इनटू ax plus b है, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर है यहां x a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू bx अपॉन ax plus b इज इक्वल टू x इनटू dy बाय dx माइनस y है। अब इसका फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, x इनटू d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाय dx एज इट इज x का 1 हो गया माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx ये कैंसिल हो गया दोनों, एंड राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर एज इट इज bx का डिफरेंशिएशन b माइनस bx एज इट इज ax plus b का डिफरेंशिएशन a अपॉन ax plus b का होल स्क्वायर, सो x into d2y by dx2 is equal to क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे abx plus b square minus abx, abx से abx कैंसिल हो गया, this is b square upon ax plus b, अब देखिए क्या आ गया आपके पास, x into d2y by dx2 is equal to b square upon ax plus b का होल स्क्वायर, अगर दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यही कर लो दिस इज x क्यूब हो जाएगा एंड ये x के, एंड इसको लिख सकते हैं bx plus ax plus b टोटल का स्क्वायर, एंड bx upon ax plus b किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x into dy by dx minus y, तो आपके पास क्या आ गया x into d2y upon dx2dx2 x cube is equal to क्या आ जाएगा x into dy by dx minus y total का स्क्वायर, यही प्रूव करना था।